अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद चलते हैं ट्राउज़र की जो है डिज़ाइनिंग की तरफ। तो आज मैं आपके साथ ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। उसके लिए जो है ट्राउज़र को जो है हमने नीचे से इंची टेप की मदद से 1.5 इंच के जो है फासले पर हमने इस तरह कट लगा लेना है। देखिए 1.5 इंच जो है हमने लंबाई में हमने 1.5 इंच पे जो है हल्का सा कट लगा लिया, मार्क कर लें। तो जी अब हमने यहाँ पे पिनटेक्स डालने हैं एक बूट का, ठीक है। एक पैर के जो है हमने यहाँ पे प्लेट्स डालने हैं। ट्राउज़र की जो है कटिंग करते वक्त हमने लंबाई में इसको 2 इंच जो है एक्स्ट्रा रखा था। वो इसलिए हमने एक्स्ट्रा रखा था क्योंकि जो है हमने ये एक पैर के जो है पिनटेक्स डालने हैं, तो उनमें जो है कपड़ा इस्तेमाल होगा तकरीबन 2 इंच होगा। तो इस तरह हमने जो है एक पैर का जो है प्लेट डाला है 1.5 इंच के गैप से, ठीक है। 1.5 इंच नीचे से हमने ट्राउज़र के बॉटम से हमने लंबाई में 1.5 इंच का जो है मार्क लगा के वहाँ से हमने इस तरह एक पैर का जो है पिनटेक्स डाला। अब हमने दूसरा पिनटेक्स डालना है, वो भी जो है हमने एक पैर का ही डालना है। ये देखिए अब दोनों पिनटेक्स के जो सेंटर में जो है फासला है वो तकरीबन 1/2 इंच का होना चाहिए, ठीक है। ये देखें दोनों पिनटेक्स के सेंटर में जो जो है गैप है वो तकरीबन 1/2 इंच का आना चाहिए। इस तरह जो है नेक्स्ट पिनटेक्स भी हम जो है इसी तरह एक पैर का डाल लेंगे। इसी तरह जो है हमने 5 पिनटेक्स डालने हैं और 5 पिनटेक्स के सेंटर में जो है 1/2 इंच का गैप होना चाहिए। आप जो है इस तरह से जो है ट्राउज़र के नीचे और कैपरी के नीचे, शलवार के पाइंचे पे और जो है स्लीव्स के आगे भी इस तरह से आप जो है डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। हमने 5 पिनटेक्स जो है डाल लिए, आप जो है ज़्यादा भी डाल सकती हैं। अब ये देखिए हम का जो हमने पिनटेक्स डाले हैं उनका रुख जो है नीचे की तरफ करके उनको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना। उसके बाद इस तरह से हमने पेपर लेना है, ठीक है। जितनी हमारे बॉटम की चौड़ाई है उतना चौड़ा हमने पेपर लेना है। ठीक है, नीचे से हमारे बॉटम की जितनी चौड़ाई है उतना चौड़ा हमने पेपर ले लिया। लंबाई में हमने तकरीबन इसको 2.5-3 इंच रखा है। उसके बाद इस तरह से हमारे पास पट्टी है, ये हमारे पास डोरी पाइपिंग थी जिसकी हमने डोरी रिमूव कर दी है, ठीक है। अब जितनी जो है हमने चकोर में इसकी जो है चकोर पीस हमने कट कर लेने, ठीक है। ये हमारी पाइपिंग थी, इसकी डोरी रिमूव करके इसको हमने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया। आप जो कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकती हैं, कोई भी जो है ट्राउज़र का कपड़ा भी आप यूज़ कर सकती हैं इस तरह से ट्राइंगल्स बनाने के लिए। अब हमने डोरी लूप्स लेनी है तो उसकी लंबाई 3-3 इंच है। सारी लूप्स हमने जो है इस तरह 3-3 इंच लंबी कट कर लेनी है। इसको बनाने का तरीका जो है पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद इस तरह से ये देखें, अगर जो हमारे ट्राइंगल्स हमें बॉटम के नीचे लगाने हैं अगर उनकी चौड़ाई 2 इंच है तो लंबाई भी 2 इंच ही होगी, ठीक है। ये चकोर में कट करने हैं हमें, ठीक है। उसके बाद इस तरह से पेपर लेना है, पेपर के ऊपर जो है हमने लूप को रखना है। उसके साथ ही हमने जो ट्राइंगल को बना के रखना है उसका कॉर्नर जो है लूप के साथ टच होना चाहिए, ठीक है। ये देखें लूप रखेंगे, फिर उसके बाद ट्रायंगल रखेंगे, लूप को राउंड शेप दे के जो ऊपर से हम जो ट्रायंगल के ऊपर से इस तरह लेके आएंगे और जो अगेन उसका कॉर्नर जो है ट्रायंगल के साथ टच होगा, ठीक है। ट्रायंगल रखा, फिर लूप को ऊपर से हमने जो है राउंड शेप देते हुए ऊपर से लेके आए हैं, इस तरह लगा दिया। आप यहाँ पे जो है डबल लूप्स भी यूज़ कर सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद सेम इसी तरह से सारी लूप्स को रखते जाएंगे, सेंटर में जो है ट्रायंगल्स लगाते जाएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच किया करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। सारी लूप्स और ट्रायंगल्स हमने जो है पेपर के ऊपर अटैच कर लिए हैं। अब हमने जो है इसको ट्राउज़र के साथ अटैच करना है, ठीक है। इस डिज़ाइनिंग को जो है हमें बॉटम पे लगाना है, ट्राउज़र के बॉटम पे लगाना है। तो उसके लिए इस तरह से हमने अब पेपर को जो है ट्राउज़र के साथ अटैच करना है। ये हमारा ट्राउज़र है, ये देखिए इसके पिनटेक्स को नीचे की तरफ करके हमने प्रेस कर लिया। अब पेपर को मैं इस तरह सीधा रखूँगी, आप चाहें तो इसको
उल्टा रख के भी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा सकती हैं। मैं इसको सीधा रख के इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि जो है सिलाई कहाँ आनी चाहिए, ठीक है। ये सिलाई जो है ट्रायंगल्स वाली सिलाई के ऊपर आनी चाहिए। आप जो है इसको उल्टा करके भी जो है सिलाई लगा सकती हैं, ठीक है। इसको उल्टा रखें और सिलाई के ऊपर सिलाई लगा दें। इस तरह भी आप लगा सकती हैं और इस तरह से भी जो है आप अटैच कर सकती हैं। पेपर को हमने रिमूव कर देना है। पेपर को रिमूव करने के बाद अब हमने जो है यहाँ पे पट्टी लगानी है, पलटा जो है फिनिशिंग, ताकि जो है अच्छी सी आए इसकी। तकरीबन 2 इंच चौड़ी हमने पट्टी ली है। इसको इस तरह फोल्ड करके जो तीसरी हमारी ये सिलाई है पट्टी को अटैच करने वाली, ये भी दोनों सिलाइयों के जो है बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए। इस तरह से जो है हमने ये सिलाई लगा लेनी है पट्टी को रख के। सिलाई हमने जो है कंप्लीट कर ली है। अब हमने इसको पलटे को जो है अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद जो है अब हमने यहाँ पे जो है हम चाहे तो यहाँ पे हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। मैं जो यहाँ पे मशीन से ही सिलाई लगाऊंगी। देखिए मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद एंड वाला जो पिनटेक्स है उसको उठा के मैंने ऊपर की तरफ कर दिया, ठीक है। उन पांचों को जो है नीचे की तरफ करके प्रेस किया था, अब मैंने एंड वाले पिनटेक्स को उठा के ऊपर की तरफ कर दिया ताकि जो है सिलाई अच्छी तरह से जब हम सिलाई लगाएं तो वो ना नजर आए, वो पिनटेक्स के अंदर जो है छुप जाइए। देखें इस तरह से हमने पिनटेक्स की सिलाई के बिल्कुल साथ साथ इस तरह से हमने जो है पलटे वाली सिलाई लगानी है ताकि जब ये हमारा पिनटेक्स है नीचे की तरफ हो तो वो जो है सिलाई नज़र ना आए, इनविजिबल जो है वो सिलाई हो जाए। इस तरह से जो है हमने नीचे की सिलाई लगा लेनी है। नीचे सिलाई लगाने के बाद अब हमने जितनी बॉटम की नीचे से फिटिंग करनी है उतनी रख के जो है हमने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। जब हमने ये सिलाई लगानी है, हमने साइड की ट्राउज़र की अंदर की सिलाई लगानी है, तो हमने ये खास ख्याल रखना है कि पिनटेक्स के ऊपर पिनटेक्स आना चाहिए, ठीक है। इनका रुख जो है पिनटेक्स का आमने सामने आना चाहिए, पिनटेक्स आगे पीछे जो है नहीं होने चाहिए। फर्स्ट पिनटेक्स जो है फर्स्ट पिनटेक्स के साथ ही अटैच होना चाहिए, सेकंड सेकंड के साथ। इस तरह जो है हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।